नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस माई टेक्नो गाइड यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें मैं एक अनबॉक्सिंग वीडियो दिखाऊंगा और साथ में आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने एक स्लो लैपटॉप के ऊपर SSD को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपका भी एक लैपटॉप है जो काफ़ी जो है सुस्त पड़ा हुआ है, बहुत ही स्लो होता है, हैंग होता है और वो HDD हार्ड डिस्क के ऊपर काम कर रहा है, तो आप जो है रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे SSD के ऊपर। तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ कैसे आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था और ये मुझे आज जो है डिलीवर हुआ है। ये SSD हार्ड डिस्क है और इसे हम जो है इस पुराने लेनोवो के लैपटॉप पर लगाएंगे। ये बहुत ही सुस्त है, एकदम बहुत ही हल्का है इसकी तरह। चलिए अब हम इसे अनबॉक्स करते हैं। तो दोस्तों, हमें अभी जो मिला है वो मिला है, ये आप देख सकते हैं, ये एक केस होता है, इसे हम कहते हैं साटा केस या HDD केस आप ही कह सकते हैं। यहाँ पर हम अपनी SSD को प्लेस करेंगे और वो CD ड्राइव की जगह पर लगता है। अभी मैं इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। अब ये है हमारी SSD ड्राइव यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये बहुत फास्ट होती है एज कंपैरिजन टू HDD। HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव। तो दोस्तों, आप जैसा कि ये देख सकते हैं, ये है क्रूशियल की BX500 2.5 इंच सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये 240 GB की है और ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज की है। अगर आपको भी ये क्रूशियल की SSD हार्ड डिस्क चाहिए जिसकी स्पीड है 545 MBPS, अभी हम देखेंगे कितनी स्पीड है। इस पर लिखा है 545 MBPS, तो ये सब हम चेक करेंगे और इन सब का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से इन्हें परचेस कर सकते हैं। तो चलिए अब हमें क्या करना है, अपने ये जो लैपटॉप है, इस लैपटॉप में एक CD ड्राइव मौजूद होती है। यहाँ पर इस CD ड्राइव को हमें क्या करना है, निकालना है। इस CD ड्राइव को, यहाँ पे जो CD का स्लॉट होता है, इस CD को हमें बाहर निकालना है, वहाँ पर हमें ये प्लेस करना है। तो चलिए अब हम इसे प्लेस करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक CD का स्लॉट होता है, हमें इसे बाहर निकालना है, यानी इसका कोई काम नहीं रहेगा, यहाँ पर हमारा SSD हार्ड डिस्क लगेगी। तो सबसे पहले हमें अपने लैपटॉप को पूरी तरीके से बंद करना है, किसी भी तरीके के पावर प्लग से ये कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ये ऑन होना ही नहीं चाहिए। तो एक बार आप अच्छे से चेक कर लें कहीं आपका लैपटॉप कहीं खुला तो नहीं है। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये टर्न ऑफ है और ये बहुत ही स्लो है, ये बंद ही रहे अभी तो बेहतर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे उल्टा करना, इसे आराम से प्लेस कीजिए। यहाँ पर हमारा ये देख सकते हैं, ये जो स्लॉट है, ये CD का ड्राइव का स्लॉट है, इसे हमें बाहर निकालना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पेच होगा, यहाँ पर इसे आपने ओपन करना है, यहाँ पर से जो ये CD का ड्राइव है, ताकि ये खुल जाए। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक इस पेज को खोलना है। जैसे ही आप इस पेज को खोलेंगे, यहाँ पर से ये CD का ड्राइव इस तरीके से बाहर को निकल जाएगा, ये आपने रिप्लेस करना है। अब क्या करना है, इसको साइड पे रख लीजिए। यहाँ पर हमारे पास जो ये आइटम है, यानी ये जो हमने ऑर्डर किया था, ये केस, ये एक सिर्फ एक केस होता है प्लास्टिक का या ऐसे ही, अभी देखता हूँ मैं इसको। और दूसरा, ये जो हमारी SSD है, ये हमारी जो डिस्क है, इस डिस्क को हमको इसके अंदर लगाना होता है और ये यहाँ पर जाता है इसके तरह। तो ये देख सकते हैं, ये बहुत ही हल्का मटेरियल का है, ये मुझे 136 रुपये का पड़ा है, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये प्लास्टिक बॉडी है, ठीक है, और इसके साथ एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर मिलता है। और ये रही हमारी सबसे कीमती SSD, इसको लगाते ही हमारा जो लैपटॉप है ये क्या हो जाएगा, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों आप, ये है क्रूशियल की BX500 2.5 SSD 240 GB, ये मुझे पड़ा है 1990 रुपये में।
इस पे लिखा है 66 GB/s, तो अब देखते हैं कितना ये स्पीड देता है। एक किताब दी है इन्होंने पढ़ने के लिए, तो इसको फेंक देंगे। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही हल्का है ये, बहुत ही मतलब प्लास्टिक का एक कितना छोटा सा एक टुकड़ा है। तो ये जो है प्लास्टिक का एक छोटी सी एक डिस्क है, ये बहुत हल्की है पेन ड्राइव जितनी। यहाँ पर आप समझ ही जाएंगे कि ये थोड़ा सा इसे ऐसे ऊपर की तरफ इस तरीके से पकड़ना है, और ये हमने थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करना है। देखिए मेरा ये कितने डिग्री में है, इस डिग्री में लेकर के आपने ऐसे इसे प्लेस करना है बस। ये अब तो अब ये इस तरीके से आप देख सकते हैं ये इसमें प्लेस हो चुका है, और अब हमें इसे यहाँ इसके अंदर लगाना है। जैसे हमने ये निकाला था बस उसी तरीके से इसका जो ये पोजीशन है ये इस तरीके से होना चाहिए। ये जो आप यहाँ पर मुंह देख रहे हैं ये लगेगा इसके इस जैक पर। ये आपने इस तरीके से यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये यहाँ इस तरीके से आपने ये इंसर्ट करना है। दोस्तों इस पे यहाँ पर हमें अपना ये पेच है इसे लॉक कर देना है ताकि ये खुले नहीं। जो आपने इसका पेच निकाला था इसे हम यहाँ पर लगा देंगे ताकि ये लॉक हो जाए। तो अब जब हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है, लग चुका है, अब हम इसे एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही हिदायत दूंगा कि आप इसे बायोस मोड में खोलें। मैं इसको अपने पुराने HDD पर नहीं खोलना चाहता। देखिए दोस्तों इसमें दो डिस्क लगे हुए हैं, एक पुरानी वाली और एक अभी जो हमने नई लगाई है, इसमें SSD लगा है, यानी ये डुअल है। इसमें दो डिस्क लगी हैं, एक पुरानी और एक अभी जो हमने नई वाली लगाई है। लेकिन हमें जो है इसे बायोस मोड में खोलना है ताकि हम एक नई विंडो इसमें डाल सके। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरा बायोस मोड में ऑन हो चुका है। यहाँ पर मैंने अपना एक बूटेबल मीडिया यहाँ पर लगाया है, यानी बूटेबल USB मैंने यहाँ पर लगाया है। इसमें विंडोज़ 10 है, तो अब आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर चेक करूँगा कि मेरे उसमें डिस्क कितनी लग गई है, क्या ये इंस्टॉल हो चुका है या नहीं। सिक्योरिटी में जाइए सबसे पहले, यहाँ पर सिक्योर बूट होगा, इसे सिक्योर बूट को आपने डिसेबल करना है। जैसे आप इसे डिसेबल करेंगे तो आपका बूटेबल मीडिया फिर काम करने लगेगा। यहाँ पर बूट में जाइए, इस बूट ऑप्शन में, इस बूट ऑप्शन में जाते ही आपको यहाँ पर USB बूट लिखा हुआ मिलेगा, ये इनेबल होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर EFI ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर SanDisk जो मेरी पेन ड्राइव लगी है इसे आपने एंटर करना है। F5 हमें अपने कीज़ में देखना है, ये है F5। तो ये अब हमारा ये SanDisk F6 से हम इसे ऊपर ले जाएंगे। तो ये हमारा SanDisk सबसे पहले नंबर पे आ गया, तो अब हम यहाँ पर एग्जिट करते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एग्जिट सेविंग चेंजेस पे क्लिक करना है, यहाँ पर अब यस करना है। जैसे हम यस करेंगे अब हमारा जो ये लैपटॉप है ये पेन ड्राइव में आ जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों ये मेरा एक मतलब इमरजेंसी वाली बूटेबल मीडिया है। अब मैं यहाँ पर विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करूँगा। दोस्तों प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, सहायता हुई हो आपकी, तो प्लीज़ चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद कीजिएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिएगा। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है SSD के ऊपर, SN570 जो कि PCI वाली है, NVMe है, वो SSD भी काफ़ी बेहतरीन है, इससे कई ज़्यादा फास्ट है। एक वीडियो आप उसे भी देखें। ये जो लैपटॉप है ये बहुत ही स्लो लैपटॉप है, ये वैसे तो मेरा नहीं है, किसी और का है, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने ही उन्हें सजेस्ट किया है इस SSD के लिए, क्योंकि ये सस्ती भी है और नॉर्मल काम के लिए बहुत ही बढ़िया है।
क्योंकि जो HDD इसमें लगा हुआ है वो जो पुरानी हार्ड ड्राइव इसमें लगी हुई है वो बहुत ही स्लो है, और विंडो 10 बहुत ही फास्ट है, बहुत ही हाई पावर वाला है। उसके लिए एक हाई पावर वाला एक अच्छी SSD चाहिए, तो मैंने उन्हें ये सजेस्ट किया था एक बजट में, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो आपके जहन में, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। जैसे ही आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा दोस्तों, इसके बाद आपको चूज़ करना है। मेरा जो अभी मैंने इंस्टॉल किया है वो है इस वाले वॉल्यूम में, जहाँ तक मुझे लगता है। मैं एंटर करूँगा, अब देखते हैं ये कितना टाइम लेता है। वैसे तो थोड़ा ज़्यादा समय ले सकता है क्योंकि अभी ये इंस्टॉल हुआ है, तो ये अभी थोड़ा सजेगा धजेगा, औरतों की तरह ये थोड़ा अभी तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। तब तक आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी सवाल है आपके जहन में तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से बेझिझक ख़रीद सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो दोस्तों, आपको मूवीज चाहिए, वेब सीरीज चाहिए, मॉड ऐप्स चाहिए, PC से रिगार्डिंग, फ़ोन से रिगार्डिंग, कुछ भी आपके जहन में सवाल हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मुझसे टेलीग्राम में मुफ्त में पूछ सकते हैं। आप जुड़िए मेरे साथ टेलीग्राम पर माई टेक्नो गाइड, यहाँ पर आपको मूवीज़ मिलेगी, वेब सीरीज़ मिलेगी, कोई भी हेल्प चाहिए कोई दिक्कत नहीं, आप माई टेक्नो गाइड से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसमें ये सॉफ्टवेयर यहाँ पर जो रखा है क्रिस्टल डिस्क, इसे आपको सबसे पहले क्या करना है, अनजिप करना है। यहाँ पर से हमें चेक करना है अपने ये जो SSD है ये कितनी स्पीड दे रही है, इसकी स्पीड को अब हम चेक करेंगे। यहाँ पर आपको इस जैसे कि यहाँ पे ये दिखा रहा है, सी ड्राइव मेरी ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है जिसपे मेरा विंडो सिस्टम है, तो ये अब हमें ऑल पर जाना है। ये यहाँ पर अब टेस्ट करेगा रीड और राइट स्पीड कितनी अब मेरी नई वाली SSD दे रही है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला टेस्ट 548 MB पर सेकंड के हिसाब से आया है रीड जो स्पीड होती है। अब हम देखेंगे राइट स्पीड कितनी होती है, राइट की स्पीड। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है, हमारा जो रीडिंग स्पीड आया है वो है 550 और राइट स्पीड 477, तो इतना ये स्पीड देगा। पहले जो इस पे लगा हुआ था HDD वो 100 या 130 के दरमियान था, लेकिन अब आप देख सकते हैं काफ़ी फर्क आया है पहले के मुकाबले। ये क्योंकि बजट फ्रेंडली है इसलिए इतना ही ये स्पीड दे सकता है। मैं यही कहूँगा कि ये बहुत होता है एक नॉर्मल यूज़ के लिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अब हम अगली वीडियो में, और हाँ, मेरी पहले एक वीडियो बनाई है SSD के ऊपर जो बहुत ही फास्ट है, मतलब लेकिन थोड़ा सा महंगी है, एक बार उसे भी आप अवश्य देखिएगा। शुक्रिया दोस्तों।